अच्छा सुन। हाँ मामा, ड्राइवर की सीट भी उखाड़नी है क्या? बहुत देर से बैठकर आ रहा है वो। नहीं नहीं हाँ? दादी को वो बीच रास्ते में उतार सकता है, इसलिए हाँ? वो जहाँ तक जाएगी वहाँ तक। सही है मामा। रुको रुको, अरे रुक जाओ, देखा नहीं रोकी गाड़ी? बूढ़ी देखकर भी नहीं रोकते, बेशरम कहीं की। क्या हुआ दादी? एक घंटे से इस बोरी को लेकर खड़ी हुई, इसे बाजार ले चलूंगी तब दो पैसे कमा पाऊंगी। तुम मुझे छोड़ोगे बाजार में? गाड़ी वाले तो गाड़ी ही नहीं रोकते, तुम तो जवान हो, छोड़ दो मुझे। अरे सुन मामा, दादी को गाड़ी में बिठाओ। चलो भागो, भागो, बस का पीछा करो। हाय चलो चलो भाई, और जोर से, और जोर से। हाय तारे रारे 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 तारे हाय तारे रारे हाय चल 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 तारे रारे रारे हाय हाय जोर से, जोर से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यो दोस्त, अरे नया दूल्हा है तो धूप में घूम रहा है, काला पड़ जाएगा। हाँ भाई सही कहा आपने। अरे शादी में आए रिश्तेदारों को क्या देने वाले हो? बिस्किट दूंगा भाई। हाँ हाँ, लोटा भर के कॉफी दे देना, बिस्किट खाते हुए जाएंगे वापस। ओए एक एक पौधा दे देना, कल वो पेड़ तुम्हें छांव और नाम भी देगा। ये गाड़ी बीच में क्यों लगाई है? हटाओ यहाँ से। हम बात कर रहे हैं। अरे रुक रुक रुक, कैसे हो भाई? अच्छा गुट्टे, कैसा था वो जल्दी गुट्टू? बहुत ही शानदार था भाई। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? Hey, आप गाड़ी बीच में चला रहे थे, हमने हॉर्न बजाया था क्या? अगर गाड़ी नहीं हटाई तो पुलिस को बुलाऊंगा और मैं सिंघम को बुलाऊंगा। ओए क्या फ्लाइट चलाने की तरह तेज भगा रहे थे? हाँ तेरे काम को डिस्टर्ब किया तो गुस्सा आ रहा है क्या? हमारे काम को डिस्टर्ब किया तो गुस्सा नहीं आएगा हमको? क्यों बोरियां लिए बगैर जा रहे थे? अगर 3 बोरियां चढ़ाऊंगा तो 8 लोग कम चढ़ेंगे, फिर मेरे कलेक्शन का क्या होगा? ओनर मुझ पर चिल्लाता है। तुम्हारे ओनर को अनाज नहीं खाना है क्या? कौन सा गाँव है? शहर है। तब तो मुश्किल है। उस बोरी के अंदर जो बैंगन है ना, उसको उपजाने के लिए कितने मेहनत और पसीना बहाया होगा पता है क्या? कितने साल से कंडक्टर हो? 15 साल से। एक दिन किसान बनकर देखो, उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दिन किसान के साथ रहकर देखो, तब पता चलेगा कि किसान कितना तकलीफ उठाता है। पता होता तो दादी को रोड पर छोड़कर नहीं जाते। आज के बाद इस बस में सीट नहीं होनी चाहिए। हाँ ए सुन मामा, स्पैनर निकाल। रेडी मामा। ए ले जा इसे। हाँ मामा, आराम से आराम से। तुम लोग हमेशा खुश रहो बेटा। हाँ दादी, आराम से बैठ जाइए, आराम से, कोई नहीं बोलेगा। Are you okay, baby? Okay, baby. हाँ, ठीक चलो है। जाने दो। ओ, चलो चलो चलो, हो गया। अच्छा सुन। हाँ मामा, ड्राइवर की सीट भी उखाड़नी है क्या? बहुत देर से बैठकर आ रहा है वो। नहीं नहीं हाँ? दादी को वो बीच रास्ते में उतार सकता है, इसलिए हाँ? वो जहाँ तक जाएगी वहाँ तक। सही है मामा। दादी के उतरने तक या फिर पार्टी के उतरने तक मामा? कौन है, पार्टी है? लगे रहो लगे रहो मामा, उधर अपनी एसी गाड़ी खड़ी है, आ जाओ चलो। भैया 5 रुपए दिए हैं मैंने, 1 रुपए वापस कीजिए। छुट्टे नहीं है बेटा, अगर होते भी ना तो भी नहीं देता। टिकट टिकट टिकट। किधर जाना है? किधर जाना है पता नहीं है, ये किधर जा रही है, किधर जा रही है? टिकट टिकट टिकट। भैया पैसे वापस देना भूलिएगा मत। छुट्टे नहीं है मेरे पास, आएंगे तो दे दूंगा, भाग नहीं रहा हूँ। टिकट टिकट टिकट। एक नंबर की कंजूस मक्खी चूस लग रही है ये तो, जो भी इससे शादी करेगा ना दीवार पे अपना सर तोड़ लेगा। लड़की के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, और हाँ लगता है मैंने इसको कहीं पर तो देखा है। हर खूबसूरत लड़की को देख कर लड़के बोलते हैं किसको कहीं देखा है मामा। साहब ये हमारे कॉलेज के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड हैं। खुशी हुई आपसे। आपके बेटे के बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, अगर वो कॉलेज में आकर स्पीच देगा तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा ना? अरे नहीं नहीं, मुझे ये स्पीच वगैरह देना नहीं आता। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, खेती के बारे में तो बोलना है। वैसे ये फंक्शन कब है? मार्च 27 को। सर मार्च 27 को मुझे बहुत काम है ना। 27, 28, 29 को हम फसल बोने वाले हैं, है ना? ठीक है। 30-1 को केले के पौधे लगाएंगे। सर आप जो डेट बता रहे हैं ना, वो फ्री है। हाँ 30 तारीख को तो फ्री। ठीक है, वही वही रख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हम रख लेंगे। ठीक ठीक है ठीक। अरे यार ये तो वही बस वाली है ना? ये
संगीत बहुत ही अच्छा है ना? सिर्फ संगीत ही दिख रहा है क्या मामा? समस्त दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी नानी यहाँ तो आइए। अब देखिए हमारे चीफ गेस्ट मेरा पोता आ गया क्या? खेती करना मेरी कोई इच्छा नहीं है, ख्वाहिश है। अब हम गुणा सिंह हम जी से अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आएं और दो शब्द कहें। आई आई मामा आई, मेरे बारे में भी दो बातें। वेलकम वेलकम सर। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबने खाना खाया क्या? मिट्टी पकड़ने वाला हाथ है, पहली बार माइक पकड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करूं। आपका संगीत बहुत ही अच्छा था। अच्छा वैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि धान का एक बीज और एक अच्छा शब्द दोनों भी एक समान होते हैं। जैसे कि अगर हम एक अच्छा बीज अच्छी जमीन में बोते हैं तो वो 100 गुना ज्यादा फसल देता है। जब इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। ज्यादातर माँ बाप बच्चों से पूछते हैं कि तू इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या कलेक्टर बनेगा, लेकिन कृषि का एक ऑप्शन कोई नहीं देता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था कि तू इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा या किसान बनेगा। मैंने तुरंत बोल दिया कि मैं किसान बनूंगा और इस काम में मैं बहुत ही खुश हूँ। इसलिए मेरे पापा ने मुझे जो ऑप्शन दिए थे उसके लिए मैं अपने पापा को धन्यवाद कहूंगा। देखा अरे चुप सुना। ऋषि हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है, ऐसा बोल बोल कर लोगों ने उसे अपने पीछे छुपा लिया है और हम इससे अनजान जी रहे हैं। कुछ लोग इस बात को समझकर आईटी का काम छोड़कर खेती करने आते हैं तो उन लोगों को आम जनता पागल के नाम से बुलाती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कृषि करने वालों को अपनी बेटी नहीं देने की प्रतिक्रिया रखते हैं। अच्छा है ना? विदेश में पढ़े लिखे लोग भी खेती करते हैं, लेकिन सिर्फ भारत ही ऐसा है। यहाँ किसी को खेती नहीं करनी है, जो अनपढ़ है वही खेती का काम करेंगे और कोई नहीं करेगा। मैं सिर्फ किसान और कृषि की तारीफ करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये मिथेन निकाल रहा हूँ, इथेन निकाल रहा हूँ, पिथेन निकाल रहा हूँ। किसान और कृषि को मिटाने के लिए एक टीम बनाई जा रही है। अरे मामा घर पे कहीं रेड ना पड़ जाए। अमीर लोगों का डाइट और गरीब लोगों की भूख दोनों अलग अलग हैं। जब आप ये समझोगे उस दिन पता चलेगा कि किसानों को राशन के दुकान का चावल खिलाना ये कितना बड़ा राष्ट्रीय अपराध होता है। अरे मामा देशद्रोही बोल के कहीं अंदर ना कर दे आपको। आप डर क्यों रहे? मैं हूं ना। अरे आप चुप रहिए महाराज। नंबर वार ने जैसे हरित क्रांति की शुरुआत की थी वो हरियाली आज कहीं नहीं दिखती है और ना ही वो क्रांति देखने मिलती है। जनता, सरकार और वैज्ञानिक ये सारे लोग जब एक हो जाएंगे ना तो ही अपने देश का भला होगा। जिस दिन नौजवान लोग कृषि और राजनीति को जब प्रोफेशन समझेंगे तब भारत शक्तिशाली बनेगा। हर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट मार्केट होना चाहिए, तभी किसानों की आत्महत्या कम होगी। क्योंकि आज एक किसान की मौत कल लाखों लोगों की मौत होती है। और वैसे भी किसानों को भला क्यों मरना चाहिए? अरे इतने बेशरम लोग जब जिंदा हैं तो हम क्यों मरे? इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ भगवान नहीं है, अनाज उपजाने वाला भी भगवान है। अरे हम किसान हैं ये बात गर्व से कॉलर क्या बात है। देखो बच्चों, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए या वकील बनिए, चाहो तो आप राजनीति में भी जाइए, लेकिन साथ में खेती भी कीजिए। मेरा तो मानना है कि अगले ओलंपिक में आप कितने मेडल लाने वाले हों इससे ज्यादा अगली पीढ़ी में कितने लोग खेती करने वाले हैं ये बात बहुत जरूरी है और यही हमारे घर की और देश की जरूरत है। मैंने ये सब तालियों के लिए नहीं बोला है, कोई किसी के सामने हाथ ना फैलाए इसलिए बोल रहा हूँ। भविष्य में किसान बनने वालों के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए धन्यवाद। मालिक बेटे ने अच्छी स्पीच दी ना। आखिर बेटा किसका है? मामा आपकी स्पीच सुनकर मन कर रहा है ना कि पूरा का पूरा खजाना लुटा दूं आपके ऊपर। अबे सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए, वो 50 पैसे वाली किस बस में जाती है वो पता करके बता दे। पता कर लेंगे मामा। ये लीजिए नाना जी, आपके लिए गर्मा गर्म। अरे वाह। थोड़ा देसी मुर्गी का सालन, मच्छी का सालन, केकड़ा, झींगा फ्राई, इसमें से क्या बनाना है? सब कुछ बना दे। अरे कुछ भी बनाओ, लेकिन तुम लोग जब मेरा हाथ छोड़ोगे तभी तो सूप पियूंगा ना। थैंक्स बेटा। बेटा एक दिन की छुट्टी चाहिए थी मुझे। क्या बात है सर, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं बेटा, मेरा पोता 10 दिन से लापता है। मुझे लगा लौट कर आ जाएगा, लेकिन बैलों का रेस देखकर वो लौट कर आया ही नहीं। वो एक लड़की से प्यार करता था। कुछ आदमियों ने उसे धमकाया भी कि दूसरी जाति के लड़की से वो प्यार व्यार ना करे, और उस दिन के बाद से वो लौट कर नहीं आया। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सर, कहीं गया होगा, वापस आ जाएगा। पूछताछ कीजिए। बेटे जरा तू भी अपनी तरफ से पूछताछ कर ले। ठीक है पापा।
क्या बेटा, 7 रुपए 50 पैसा दे रही है, टिकट तो 8 रुपए का है। पहले का आपके पास बैलेंस था ना, अब बराबर हो गया, और आज के बाद छुट्टा नहीं है, ऐसा मत कहना। हटो साइड में, टिकट जाना टकलू। आज के बाद कभी नहीं कहेगा कि छुट्टा नहीं है। 500,000 का नोट बंद हो गया ना, 50 पैसा भी बंद हो जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है। आप सुपर्ब हो, ऐसा ही होना चाहिए। आप भी सुपर्ब है, कितनी अच्छी स्पीच थी आपने। बहुत बढ़िया, आप दोनों बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। जब सब लोग मजाक उड़ा रहे थे तब आप ताली बजा रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनिए, मैंने आपको कहीं तो देखा है। कॉलेज में देखा था। नहीं, उससे भी पहले। बस में? नहीं, उससे भी पहले। किससे पहले? खुशी में भी और गम में भी जॉली सोडा। खुशी में भी और गम में भी जॉली सोडा। इस पोस्टर को देखकर मैं चौंक गया था और सोच रहा था कि ये लड़की मुंबई में रहती होगी। क्यों? खूबसूरत लोग सिर्फ मुंबई में ही रहते हैं। नहीं, ये मॉडलिंग वगैरह सिर्फ मुंबई में ही होती है ना। हेलो, मैं मॉडल नहीं हूँ। तो फिर अभिनेत्री हो क्या? हेलो, मैं ओनर हूँ। ओनर किसका? जॉली सोडा कंपनी की। ओ, अच्छा, आप ओनर होकर खुद ही एक्टिंग करती हैं? क्यों, वसंत कंपनी के ओनर ने, स्वर्णा स्टोर के अनाची ने, ललिता ज्वेलरी के ओनर ने एक्टिंग नहीं की, ये आजकल का फैशन है। फैशन, टीवी देखने वाले जानते हैं कितनी तकलीफ होती है। अपना मुंह बंद कर। आपने हमारा सोडा पिया है? हाँ। अच्छा टेस्ट है ना? मिक्सिंग के लिए सही नहीं है, सारे लोग वॉमिट करके शिकायत करते हैं। हेलो, वो क्या है ना कि उसमें थोड़ा पानी मिला करके, अरे मामा क्या कर रहे हो, कंप्लेन ऐसा था इसलिए मैंने बता दिया।